तो बेंटन यूनिवर्स में ग्वेन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे बेन को स्टार्टिंग में जब ओमनीट्रिक्स मिली थी उसके बाद से ही ग्वेन एक ऐसा करेक्टर था जो कि बेन की काफी बार हेल्प करता था ओपोनेंट्स को हराने में। लेकिन धीरे धीरे बेंटन का शो आगे बढ़ता रहा और हमें बेंटन के काफी सारे एलियंस देखने को मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्वेन के पास भी काफी सारी अलग पावर्स देखने को मिली। जैसे बेंटन के शो में वो लकी गर्ल भी बन गई थी, जिसके पास एक तावीज था जिसकी वजह से उसका लक काफी ज्यादा अच्छा हो गया था, और उसके बाद उसको चार्मकास्टर की बुक मिली जिसका यूज करके वो मैजिक को सीखने लगी। और आगे चल के बेंटन के यूनिवर्स में हमें पता लगा कि ग्वेन की बॉडी में बचपन से ही मैना पावर्स एग्जिस्ट करती है, बस उसको इस बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे बेंटन सीरीज में ग्वेन ने अपनी पावर्स के बारे में जाना और हमें उसका एंड्राइड ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला, और डैगन ने भी इस बात को बोला था कि एंड्राइड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। विलगेक्स जिस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था उस शील्ड को एंड्राइड ने इजिली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा, क्या ग्वेन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एंड्राइड ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी पावर्स का यूज करके बेन को डिफीट कर सकती या नहीं। तो अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि 700 लाइक एंड 50 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। तो बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। देखो गाइस, जब से बेंटन यूनिवर्स में हमें एंड्राइड फर्स्ट टाइम देखने को मिली है, यानी कि फर्स्ट टाइम हमें जो एंड्राइड बेंटन यूनिवर्स में देखने को मिली थी वो थी ग्रैंडमा वर्डोना, जो कि एक प्योर एंड्राइड थी। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ग्वेन भी जो है एंड्राइड में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और अपनी पावर्स को एक काफी बड़े लेवल पे यूज कर सकती है, जहाँ पे वो एक सिटी तक को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एंड्राइड का पावर बेंटन यूनिवर्स में इतना ज्यादा है कि अगर वो चाहे तो एक प्लेनेट तक को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। अगर ग्वेन की पावर्स के बारे में हम अच्छे से जाने तो यहाँ पे ग्वेन के पास मैना मैनिपुलेशन की पावर है। इसके अलावा वो फ्लाई कर सकती है और अपनी बॉडी को एंड्राइड में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। वहीं पे जब वो एंड्राइड की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो अपने हेयर्स का भी बैटल के दौरान काफी ज्यादा यूज करती है, जिनका यूज करके वो ओपोनेंट को इजीली जकड़ सकती है। इसके अलावा एंड्राइड डायमेंशन ट्रेवल भी कर सकती है। अब इतनी सारी पावर्स होने के बाद क्या ग्वेन के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो बेन को हरा दे? तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो गाइस, ग्वेन की पावर लेवल तो काफी ज्यादा है, जहाँ पे बेंटन के काफी पावरफुल एलियंस को वो इजीली डिफीट कर सकती है। जैसे कि आप लोगों ने बेविक को देखा होगा जिसका पावर लेवल काफी ज्यादा है, बेबिक बेंटन के टॉप 5 पावरफुल एलियंस की लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे अगर बेबिक के साथ भी बैटल हो जाती है एनेडाइट की, तो बेन के बेबिक को एनेडाइट जो है थोड़े ही टाइम में हराने की कैपेबिलिटी रखती है। हालांकि बेबिक का पावर लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन एनेडाइट के पास कुछ ऐसी पावर्स है जिससे वो बेबिक को इजिली डिफीट कर सकती है। और आप लोग को इस बारे में पता होगा कि डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में ग्वेन को भी इस बारे में पता लग गया था कि अगर बेबिक के हेड पे अटैक किया जाए तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और अपनी बैटल को भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बेंटन यहाँ पे अटोमिक्स जैसे एलियंस का यूज करे तो हो सकता है कि अटोमिक्स अपने न्यूक्लियर अटैक का यूज करके एंड्राइड को डिफीट भी कर दे। लेकिन एंड्राइड के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, यहाँ पे अगर अटोमिक्स अपने न्यूक्लियर अटैक का यूज करता है एंड्राइड पे, तो एंड्राइड एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकती है, और एंड्राइड अपनी पावर्स का यूज करके अटोमिक्स को हराने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो बेंटन के ये दो काफी पावरफुल एलियन थे, जिनमें अटोमिक्स सेकंड सबसे पावरफुल एलियन भी माना जाता है। लेकिन इसके बाद बेंटन के पास एक और एलियन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लॉकवर्क की। क्लॉकवर्क के पास टाइम पावर्स है जिनका यूज करके एंड्राइड को डिफीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन आप लोग को पता है कि एंड्राइड भी डायमेंशन ट्रेवल कर सकती है, तो यहाँ पे क्लॉकवर्क अगर चाहे तो एंड्राइड को हराने की कैपेबिलिटी तो रखता है, लेकिन अगर बेन उसका सही से यूज कर पाता है तो, क्योंकि हमें पता है कि बेंटन के यूनिवर्स में बेन को क्लॉकवर्क की फुल पावर के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, और क्लॉकवर्क कितना ज्यादा पावरफुल है इस बारे में अभी तक बेन पता ही नहीं कर पाया। और हो सकता है कि बेंटन के यूनिवर्स में फ्यूचर में हमें क्लॉकवर्क की और भी पावर्स देखने को मिले। लेकिन अभी के बेस पे अगर हम इसे एनेडाइट से कंपेयर करें तो यहाँ पे इन दोनों में से मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगा, क्योंकि बेन अगर क्लॉकवर्क की पावर को अच्छे से यूज करेगा तो एनेडाइट को हरा सकता है क्लॉकवर्क की पावर का यूज करके। लेकिन अगर एनेडाइट अपनी पावर्स का ठीक से यूज करे तो वो भी क्लॉकवर्क को हरा सकती है। अब यहाँ पे अगर बेन को नॉर्मली इस बैटल को जीतना है तो उसके पास एलियन एक्स है, जिसके पास गॉड लेवल पावर्स है, जिस गॉड लेवल पावर का यूज करके वो कुछ ही सेकंडों में एंड्राइड को इजीली डिफीट कर सकता है, उसको रियलिटी तक से इरेज कर सकता है। तो यहाँ पे एलियन एक्स बेंटन के पास एक ऐसा एलियन है, अगर बेन उसका यूज करेगा तो वो इजीली एंड्राइड को डिफीट कर सकता है। इसके अलावा बेन के पास ऐसा कोई भी एलियन नहीं है जो कि उसे डिफीट कर पाए,
हालांकि आप लोग के माइंड में फीडबैक का नाम भी आता होगा, लेकिन गाइस फीडबैक जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लेगा और वो काफी ज्यादा कैपेबल भी है, लेकिन यहाँ पे एंड्राइड जो टेलीपोर्टेशन कर सकती है उसके पास और भी मैजिकल पावर्स है जिनका यूज करके वो चाहे तो फीडबैक तक को डिफीट कर सकती है। और फीडबैक की इकलौती पावर है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, उसके अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एंड्राइड अपनी पावर्स का कुछ परसेंट ही यूज करके उसे डिफीट कर सकती है। तो बेंटन यूनिवर्स में ग्वेन भले काफी पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन बेंटन यूनिवर्स में वो बेन को नहीं हरा सकती, क्योंकि बेन के पास एलियन एक्स है जिसकी पावर्स के सामने एंड्राइड की पावर्स कुछ भी नहीं है। और अगर आपके माइंड में क्रोमा स्टोन का भी नाम आता है तो मैं आपको बता दूं कि बेन को क्रोमा स्टोन की फुल पावर के बारे में भी अभी तक नहीं पता। और बेंटन अल्टीमेट एलियंस के एक एपिसोड में क्रोमा स्टोन की बैटल ग्वेन के साथ हमें देखने को मिली थी, जहां पे बेन के क्रोमा स्टोन को ग्वेन ने डिफीट भी कर दिया था और क्रोमा स्टोन अपनी पावर्स का यूज ही नहीं कर पाया था। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा तो वहां पे बेन जो है केविन को मारने के लिए जाता है और अपने क्रोमा स्टोन का यूज करता है ताकि वो ग्वेन को हरा सके, लेकिन उस टाइम पे ग्वेन जो है क्रोमा स्टोन को डिफीट कर देती है। तो बेन के लिए क्रोमा स्टोन का यूज करके ग्वेन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बेन को एलियन एक्स या फिर क्लॉकवर्क की पावर का यूज करना पड़ेगा एंड्राइड को हराने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस बैटल को जीत सकता है। तो गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।